हेलो फ्रेंड्स, ऑस्मोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि इतने दिनों से चल रहा था, जो कि पेमेंट गेटवे का काम कंपनी का चल रहा था, जो कि सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। आपने इतने दिन जो सहयोग दिखाया, जो कोऑपरेशन दिखाया, उसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ आपका। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्मोस टेक्नोलॉजी के अपना जो वेबसाइट है, ई कॉमर्स पोर्टल, उससे आप डायरेक्टली पिन कैसे खरीद सकते हो। इतने दिन कंपनी के अकाउंट में पैसे भेज रहे थे, बहुत दिक्कत हो रहा था, तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये ई वाउचर से आप पिन कैसे खरीद सकोगे। तो ऐसे आप osmostech.com ओपन करोगे तो ई कॉमर्स पोर्टल के साथ साथ ये ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिसके ऊपर क्लिक करते ई वाउचर के ऊपर क्लिक करते ही ये देखिए, यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हो। आपको एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, दस चाहिए, तो 10 पिन का क्वांटिटी डाल सकते हो। अभी फिलहाल मैं एक के साथ चेकआउट करूँगा। ये ऐड टू कार्ट के ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद अभी मेरा लॉगआउट हो चुका है, तो मैं वापस एक बार लॉगिन कर लूँगा। जैसा कि मैंने ये यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिया, मैं लॉगिन कर रहा हूँ अभी। ये लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके बाकी के डिटेल्स आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्मोस ओएस मार्केट ई वाउचर, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस के साथ 20 रुपये ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको पे करने हैं। यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, ये आपको सिलेक्ट करना है एंड प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हो, आपको दिखेगा आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, ये इसको आपको ये चेकबॉक्स को क्लिक करना है, और प्रोसीड टू पे ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्चुअल पेमेंट गेटवे का इंटरफेस ओपन होगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, वॉलेट से आप पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं UPI ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, जो कि बहुत आसान होता है। UPI ऑप्शन चूज करने के बाद ये देखिए, मैंने अपना ये भीम UPI ID यहाँ पे डाल दिया है, और मैं पे 1200 के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा, जिस ऐप के ऊपर, जिस ऐप का मैंने UPI ID डाला है, उस ऐप के ऊपर मुझे जाना है। जैसे कि मैंने एक्चुअल मेरे दूसरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन है फ़ोनपे, तो मैंने वहाँ पर क्लिक कर दिया है एक्सेप्ट के ऊपर। जैसे ही मैं वहाँ से एक्सेप्ट कर देता हूँ और रिक्वेस्ट मेरा सर्वर को पहुँच जाता है, तो अभी तुरंत यहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिख जाएगा। थोड़ा वेट करता हूँ मैं यहाँ पे, और मेरे यहाँ से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका ट्रांजेक्शन जो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कौन सा ऑर्डर लगाया था, क्या लगाया था। अभी इससे पिन कैसे मिलेगा, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। जैसे ही पिन देखने के लिए आप जैसे रेगुलर लॉगिन करते हो आपके मेंबर पैनल में, आप वैसे ही मेंबर पैनल में लॉगिन करोगे। यहाँ पे ई पिन के ऊपर क्लिक करने के बाद पिन डिटेल पे क्लिक करना है आपको। पिन डिटेल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी 7:50 का टाइम चल रहा है, 7:49 को मेरा ट्रांजेक्शन कन्फर्म हो चुका था, और मुझे यहाँ पर ये पिन आ गया है। जैसे आप पहले पिन यूज़ करते थे, वैसे ही आपको ये पिन यूज़ करना है। इसमें कुछ अलग बात है नहीं, सिर्फ ऑटोमेटिक आपको ई वाउचर खरीदने पर आपको पिन मिलने के लिए सिस्टम कंपनी ने लगाया है, जो कि बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे आप टॉपअप करोगे, तो जिसका टॉपअप करने वाले हो उसको 1200 रुपये का बैलेंस मिलना चाहिए, तो वो उसको 1200 रुपये का शॉपिंग वॉलेट का बैलेंस मिल जाता है, और उनको कंपनी का जनरेटेड इनवॉइस भी आ जाएगा। सो दोस्तों, इतना आसान है। अभी आप मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि पिन्स के लिए कंपनी के अकाउंट नंबर पर, ऑफिशियल अकाउंट नंबर पर पेमेंट ना